हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन है और मैं सौरिश, सौरिश के पापा जा रहे हैं सौरिश के दादी जी के घर, क्योंकि वहां पे सौरिश की बूजी आए हुए हैं, साथ ही साथ सौरिश के ताऊ जी। तो रक्षाबंधन हम उधर ही मनाती हैं सारे मिलके, और मेरे भाई इस बार घर नहीं है दोनों, तो इसलिए मैं नहीं जा रही अपने मायके, तो हम सारे अपने गाँव ही जा रहे हैं। और ये देखिए, ये लड्डू गोपाल की राखी है, तो रास्ते में कृष्णा का मंदिर है, तो वहां पे चढ़ानी है मुझे। और हम अभी चल पड़े हैं, और फाइनली बारिश हमारे यहाँ आ गई है, रात से स्टार्ट हुई है, तो मौसम भी अच्छा हो गया अभी, तो अभी हम निकलते हैं। मंदिर आ गया और बारिश बहुत तेज लगी हुई है, तो सर पे दुपट्टा लेके तो मैं चलती हूँ अंदर। मैंने तो राखी चढ़ा दी अपनी, तो अब चलते हैं घर। और यहाँ पे अभी राखी की तैयारी हो रही है, सारे तैयार होके बैठे थे क्योंकि ये कल शाम को ही आ गए थे, तो अभी दीदी पहले राखी बांधेंगे। अभी बच्चों की बारी। अब नाश्ता हो चुका है, आलू गोभी मटर की सब्जी, पूरी, साथ में दही, साथ में हलवा। और फ्रेंड्स, अभी सारे जा रहे हैं अपने घर और बारिश लगी हुई है, काफी तेज बारिश है अभी। बैठे 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 बै
बारिश बहुत तेज आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ स्नेल आ गई है और सौरिश हिम्मत करके उसको उतार रहा है, क्योंकि उसके पापा कह रहे हैं मैं तो गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैं नहीं बाहर निकलूंगा, और मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन सौरिश ने उतार ही दी। तो फ्रेंड्स अब हम घर नहीं जा रहे हैं, तो राखी का सारा हो गया प्रोग्राम और सभी अपने घर को चले गए हैं। और हमारे घर के कोई 5-6 किलोमीटर दूरी, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8 किलोमीटर तक होगा, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है शिव जी का, वो देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जगह का नाम काठगढ़ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए आप भी। अभी जी आ गया इंदौरा। तो इंदौरा छोटा सा शहर है, तो यहीं से टर्न ले लेंगे मंदिर की तरफ। बारिश एकदम से हट चुकी है और हल्की हल्की सी धूप आ गई अभी। तो हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा खेत दिखा, तो पूरे धान बीजे हुए हैं और सौरिश को भी अच्छा लग रहा, ग्रीन सा। सौरिश पहले ही बाहर निकल गया और मैं भी चलती हूँ। पानी आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको खेत? कितने प्यारे हैं ना। वाओ। तो इससे क्या बनता पता आपको? क्या बनता है? नहीं पता। इससे राइस बनते हैं। ये बड़े होंगे ना, जब यहाँ से निकलेंगे फिर उसको काटेंगे, उसके बाद सर ऐसे ग्रीन ग्रीन अच्छे लग रहे हैं ना, तो फिर जब राइस बनेंगे फिर धीरे धीरे पक जाएंगे, येलो कलर हो जाएगा इनका। इधर पूरे बाग ही बाग है। चलो चलते हैं। चलो देख लिए, देख लिए, चलो अभी। तो सौरिश को पता नहीं है कि क्या चीज है, बस इसको ग्रीनरी अच्छी लग रही थी, तो मैंने बताया कि ये राइस है। तो अभी चलते हैं।